हाय गाइस, वेंडी हियर। तो हम Hello, here's ये Sergey. नाउ नाइन्थ एपिसोड में Thanks. You हेड्स के saved my स्वागत है। life. Gave me life when I was born. तो ये क्या My बोल रहा है father कि told me. लाइफ And दिया there are है? many things that I am not at हाँ liberty to speak of, child. Through my own binding ओके choice. These are I never should have been born. Was that what the fates wanted? Did you defy your own daughters? Silence. Tempt not my daughters thus. Thank them for एक्चुअली me. निक्स ने ही, जो हमारी स्टेप मॉम जैसी है, उसने यहाँ वो जैक्रिस Excuse को me, is बचाया there रहता है। something I can do for you, Prince Zagreus? It's nothing. I just thought I'd say that. There's no returning to the way things used to be, Zag. को गुस्सा आ गया है। Now, can I offer you some words of advice? Hey सब चिड़े Jack. हुए हैं यार। मेरे को मतलब मेरा जर्नी है, Totally मतलब worth इसकी it. मम्मी पर्सेफनी से मिलने के लिए। You're serious? You're really giving that? It's really what I want, and I sincerely hope we can move past. तो ये जर्नी के लिए कुछ लोगों को तो मतलब गुस्सा करना ही पड़ता है, निराश करना ही पड़ता है। शी कैन नॉट बी हेल्प। जैगरियस के रूम से अभी ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए नेक्स्ट रन के टूवर्ड्स जाते हैं। हर रन में हमको थोड़ा ज़्यादा मिलता है इन्फॉर्मेशन, परसेफनी से बात This करने के one, मतलब इसकी thanks मदर। Agriff, the rail of तो adamant, हमने अनलॉक allowed कर दिया Major है ये Hoang to गन, pose me. That would have been my pick. बट जो चमक रहा है ना ऐसे पर्पल कलर का, तो उसका मतलब ये Hey है pal, watch कि me throw वो those ज्यादा bloodstones of पॉइंट्स देता है। yours. You drop them, you go pick them up. You understand? But if somebody gives you grief, you got my permission to chuck one right in his eye. I'll just aim generally for the अग्निंग main डैम ही है section. मतलब सबके लिए। तो शील्ड के साथ, कैप्टन अमेरिका And के through this शील्ड के father's साथ dirty work. ये रन स्टार्ट करते हैं। What exactly is it, boy, that makes you feel entitled to show me such disrespect? You dare not say such things to Nix. वो भी गुस्सा है भाई, निक से तो मत बहुत बात कर रहे से अपने, मतलब निक से बात मत कर, खुद से Nix, भी give me strength. निक से ही स्ट्रेंथ मांग रहा है ऊपर से। चले Lord Ares. एरिस के साथ गॉड ऑफ वॉर। Shield of Chaos, Aegis. Quite unlike the one my good sister Athena likes to flash around. You have much better taste. एक्चुअली एथेना और एरिस ब्रदर सिस्टर से। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये ग्रीक माइथोलॉजी के बेस्ड गेम्स है, जस्ट लाइक हाउ गॉड ऑफ वॉर है, बट तो मतलब सेम माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर है। तो यहाँ पे वो शील्ड, शील्ड से मतलब शील्ड से मारना है, शील्ड को फेंकना है, वैसे उसके सारे मूव्स है। तो मैं थोड़ा एक डेमो दिखा देता हूँ, ये आपको रिलेट करना है वेपन के साथ। तो आपने कैप्टन अमेरिका तो देखा ही रहेगा, बस यही है, शील्ड से मारो, शील्ड फेंको, बस, और वापस आता है शील्ड, यही है पूरा इसका वेपन। तो उनके कुछ कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर डबल एचपी बार रहता है, तो उनका पहला एक शील्ड ख़त्म करना पड़ता है, फिर उनका हेल्थ ख़त्म करना पड़ता है, तो ऐसा है। तो हम यहाँ पे मतलब शील्ड से ब्लॉक भी कर सकते हैं और शील्ड से मार भी सकते हैं, शील्ड से बुल रश भी कर सकते हैं, मतलब से शील्ड से ही धक्का देते हैं ना, मतलब स्पार्टन से सीकर के से कर सकते हैं। 300 मूवी देखा रहेगा तो उसके जैसे हम फाइट भी कर सकते हैं। तो हमें गॉड्स अपने पावर्स देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, और उस ब्लेसिंग से हम फाइट करके हम बेसिकली हेडिस जो है इसके डैड, उसको हमको हरा के उसके मदर को से बात करना रहता है। तो यही पूरी स्टोरी है। तो इस टाइप ऑफ गेम का नाम रोग लाइक है, मतलब हर बार तुम फाइट करते रहोगे तो तुम्हारा मतलब ये बढ़ते रहता है, मतलब पावर बढ़ते रहेगा, हर हर बार तुम फाइट करते करते तुम स्ट्रांग होते जाओगे। तो ये टेरसेफनी है, जो इसकी क्या बोलते हैं, मैगरा की बहन है, और पता नहीं क्यों मर्डरर बोलते हैं। तो देखो मैं शील्ड से ब्लॉक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बॉस है पहले स्टेज की, टार्टरस की। और अगर हर अब तक आपने अगर देखा है ये, मतलब देख रहे हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो एरिस से हमने जो ब्लेसिंग, यहाँ पे जो भी पावर मिलता है, हर गॉड के पावर और ब्लेसिंग अलग रहते हैं, ठीक है। तो एरिस का पावर ये है कि जिसको, उसके पावर से जिसको भी हम मारते हैं,
फॉर एग्जांपल अभी वो शील्ड फेंकने वाला पावर से जिसको भी मारेंगे तो उस पर वो कर्स लग जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके उनको लाइक पॉइजन टाइप लगता है। तो हर एक वेपन हर एक गॉड का पावर का तो एक ये रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, एक इफेक्ट रहता है यहाँ पे। एक्चुअली ये सब हमको रोक रहे हैं, ये सब बॉडीगार्ड्स है एक्चुअली। ये जैसे कि ये पहला बॉस, ये सब बॉडीगार्ड्स रखे हैं कि यहाँ से कोई बच के भाग ना सके। तो जाकरी इसको घर के अंदर ही उसको मतलब ये आ रहा है, मतलब मतलब अंदर से ही रेजिस्टेंस आ रहा है कि इसको देखो कि ये भाग ना पाए घर छोड़कर। हमारे पास एक और पावर भी है, मतलब पावर बदलते रहते हैं, ठीक है, हर एक रन अलग रहता है, हर एक बार बाहर भागते हैं अलग अलग गॉड्स हमको मिल सकते, कोई से भी गॉड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको डिमीटर मिली है और डिमीटर के बारे में आगे जाके बताऊँगा। डिमीटर मिली और एरिस का पावर हमको मिला है और हमको एथिना का पावर भी मिला है। तो Well, father, I'm trespassing through your secret. तो ये कीपसेक है, कीपसेक में क्या करता है, हमने अभी जो मैंने चूज़ किया था वो एरिस का कीपसेक था। तो जो भी गॉड हमको चाहिए, जिनका वरदान हमको चाहिए या फिर पावर चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो हमको उनका कीपसेक हमको मिलता है। कीपसेक मतलब जब हम गॉड को गिफ्ट देते तो वो लोग भी हमको अपना कीपसेक देते, जिसके रखने से जैगरियस जब रन पे जाएगा तो वो गॉड उसके सामने आएगा, उनका पावर मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये अभी हम पहुंच गए एस्फोडेल। तो अंडरवर्ल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, मतलब नर्क सब, मतलब अंडरवर्ल्ड में नर्क और स्वर्ग दोनों रहता है ग्रीक माइथोलॉजी में। तो जो आपने कर्म किए है उसके हिसाब से आपको स्वर्ग और नर्क में प्लेस किया जाता है, ये हेडिस का काम है करना ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से। यहाँ पे एस्फोडेल से हम एक बोर्ड टाइप है जिसमें हम लोग, आई थिंक ये बॉस टाइप बैटल टाइप है जिसमें हमको मतलब बच के उन सबको मार के हमको ये स्टेज क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी एक ब्लू कलर का अपने एक जेम टाइप मॉन्स्टर देखा रहेगा, वो एक्चुअली सबको शील्ड देता है तो उसको ही पहले ख़त्म करना पड़ता है। तो सबके सामने जो शील्ड ग्लास का जैसा गोला टाइप हो जाता है वो शील्ड रहता है एक्चुअली, तो उनको बचाता है वो। यहाँ पे एथिना का पावर मिल गया। इसलिए एथिना का जो डैश है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक्चुअली डिफेंस के सारे पावर्स डिफेंस के। तो अब एक क्विज टाइम आ रहा है और एक क्विज ये है कि जैकरियस हर बार सरफेस पहुंचने पर क्यों मर जाता है। तो इज इट बिकॉज ही इज अ वैम्पायर, इज इट बिकॉज ही इज टाइड टू द सेम लिमिट्स एज हिज फादर, और उसकी माँ के नज़दीक जाने से वो उसका लाइफ ड्रेन हो जाता है। तो द आंसर है ही हैज़ द सेम लिमिट्स एज हिज फादर, क्योंकि हेड्स ये अंडरवर्ल्ड में ही रह सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता, ये उसका मतलब वो आप श्राप बोल सकते हो, वरदान बोल सकते हो, ऐसा ही है। अंडरवर्ल्ड छोड़ के जाएगा तो वो जी नहीं पाएगा, वो फिर से मर के फिर से अंडरवर्ल्ड में आ जाता है। तो यहाँ पे हम एस्फोडेल के इसके बारे में, मतलब बॉस जो फाइनल बॉस है बोन हाइड्रा, इसको हम फाइट करते हैं। और अभी आपने ध्यान दिया रहेगा कि उसके सामने एक शील्ड टाइप आया है, तो ये शील्ड एक्चुअली रहता है तो किसी को भी मार नहीं सकते बॉस। तो वो शील्ड हटने के लिए पहले हमको उनके छोटे जो है छोटे छोटे सांप उनको मारना पड़ता है, तो ये शील्ड हटेगा। ये हो गया, इसको मार दिया, अभी उस शील्ड थोड़ी देर में हट जाएगा, जैसे हट जाएगा उसको डैमेज हम फिर से दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है और ये दो मतलब अभी तक सिर्फ फर्स्ट फेज ही ख़त्म हुआ है, उसका सेकंड फेज भी बाकी है। तो एक हद तक उसका एचपी कम हो जाएगा, उसके बाद सेकंड फेज का चालू हो जाएगा।
हम ये रन जो भी भाग रहे हैं, मतलब जो भी ये लड़ रहे हैं, अलग अलग वेपन के साथ भी कर सकते हैं। तो इस रन में मैंने चूज किया है शील्ड ऑफ केओस, वो कैप्टन अमेरिका जैसा वो ही है, सेम शील्ड लेके मारो। तो अब ये सेकंड फेज आ गया है जिसमें मेरे को इनको क्या बोलते हैं, इसको मारने, इन सबको मारने के बाद ही वो जो मेन ये है बॉस है उसके ऊपर एक ग्लास टाइप शील्ड लगा रहेगा, तो वो हट जाएगा। तो उसके बाद ही मैं और हम दूसरे गॉड को बुला भी सकते हैं फाइट या फिर मदद करने के लिए। तो ग्रीक के गॉड जो ना एक्चुअली फाइट नहीं करते हमारे लिए, वो एक्चुअली हम इन्वॉल्व नहीं होते फाइट्स में, वो सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं बस। ये हो गया, सेकंड बॉस भी डिफीट हो गया। तो हर एक बॉस कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करता है, यहाँ पे इसने डायमंड ड्रॉप किया है। तो एस्फोडल का चेज खत्म होता है, यहाँ पे एक हीलिंग पावर चार्ज, मतलब हीलिंग का पानी होता है, ही थोड़ा हील हो जाते हैं। और यहाँ से हम कीप से चेंज कर सकते हैं जो मतलब गॉड्स ने हमको दिए, और अगर गॉड्स ने यहाँ पे लिखा रहता है फ्रॉम करके, वहाँ देख सकते हो। तो लैम्बेन प्यून ये इसने दिया है, हर्मिस ने दिया है, थोड़ा मिस किया डॉच चांसेस के इंक्रीज होते हैं इसलिए मैं वो यूज करता हूँ। Get out of this damn heat. Check. यहाँ पे एलिसियम में पहुंच गए, यहाँ पे सारे यहाँ पे मतलब हीरोज यहाँ पे उनको रखा जाता है। यहाँ के बॉस फाइट एस्टेरियस और थियसिस, तो इनके बारे में मैं फ्यूचर में जाके वीडियो बनाऊंगा, ये इनका रिलेशनशिप क्या है। अगर आपने ग्रीक माइथोलॉजी के कोई मूवीज देखे रहेंगे तो थियसिस और एस्टेरियस के बारे में उन्होंने मतलब बहुत सारे मूवीज तो आए हैं, द इमॉर्टल आई थिंक, और जो सुपरमैन वाला हीरो एक्टर हेनरी कैलविन ने एक्टिंग किया रहेगा, उसमें थियसिस का एक्टिंग किया था। तो यहाँ पे इनको इन दोनों के साथ एट द सेम टाइम फाइट करना है। वेट करने के लिए बोल रहा है और फाइट करने के लिए बोल रहा है भाई, भागते भी रहना है, अटैक भी करना है उनको। तो दोनों सबके एचपी है, मार रहा कॉन्स्टेंटली। मेरा तीन लाइफ है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, एक लाइफ खत्म हो गया, अभी दूसरा लाइफ आया, मतलब दो लाइफ बाकी है। जब वो नीचे मीटर पूरा हो जाता है, आग टाइप मीटर रहता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, वो पूरा हो जाता है तो गॉड का पावर हमने करंटली चूज किया है एफ्रोडाइटी का, जो मतलब अपने लव का पावर डाल के अगर एनिमी को कन्वर्ट करवा सकती है, मतलब उसको ही दूसरे एनिमीज को अटैक करने के लिए, और डैमेज भी देती है 2500 का। अभी उन्होंने मतलब एस्टेरियस जो एरो वाली गॉड है उसको बुलाया, इसलिए ग्रीन कलर के एरोज आ रहे हैं नीचे से, देखो। तो उसने आर्टिमस ने वो गॉड को बुलाया है, एरो वाली गॉड को।
तो ऑलमोस्ट थोड़ा ही एचपी है उनका। स्पीयर है तो थीसिस का मेन वेपन है स्पीयर, और स्पीयर और शील्ड से फाइट करता है। और इसका क्या बोलते हैं वो बुल का मेन वेपन है एक्स है। ऐसा लगता है कि स्नाइपर का उसके ऊपर बुल जाए जैसा आ जाता है तो एरो जब फेंकता है। इंसल्ट, अरे भाई इंसल्ट क्या, अभी जो है सो है। हाउ कुड यू, ये फाइट ही है डूड, तो जाने देते तो फाइट करने ही नहीं पड़ती थे। यहाँ पे हील हो जाते हैं थोड़ा फाइट के बाद, तो हर बड़े फाइट के बाद हमको हील करने का थोड़ा चांस दिया जाता है। पैसे नहीं कुछ खरीद सकते थे वहाँ पे, बट गोल्ड कॉइन्स है नहीं। तो यहाँ पे अगर बॉटम राइट कॉर्नर पे आप देखते हो तो 43 लिखा रहेगा, जहाँ पे मतलब वो गोल्ड कॉइन है हमारा। तो उस कॉइन से हमको कुछ खरीदना है, जैसे कि थोड़ा हेल्थ खरीदने है, थोड़ा हील होना है, या फिर हमको थोड़ा ज़्यादा डैमेज देने के लिए जो बॉक्स रहते हैं पावर्स रहते हैं वो खरीद सकते हैं, मतलब टेम्प्ररी पावर्स। यहाँ पे हम ये आ गया, आई थिंक टेम्पल ऑफ स्टिक्स, टेम्पल ऑफ स्टिक्स पे आ गए। टेम्पल ऑफ स्टिक्स में यहाँ पे दुकान खोल के बैठा है शैरन। तो कैरन वो बंदा है जो मतलब, तो एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वो शरीरों को मतलब जब मर जाते हैं सोल्स को अनटोल्ड ऊपर तक लेके जाता है, तो वो है शैरन। तो दुकान खोल के बैठा है यहाँ पे। अरे हमें यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हैं दरवाज़ा चूज़ करने के लिए, और वहाँ से मैं मतलब एक दरवाज़ा चूज़ करके वहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे ट्रैप्स भी है, यहाँ पे छोटे छोटे माउस मतलब चूहे भी आ रहे हैं, उनको भी मारा है। और हम एक 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 चैम्बर से बाहर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको गोल्ड पॉइंट मिल गया है, और यहाँ पे वो सैक है जो वो सैक डॉगी का खाना है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा हील हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो डॉगी रास्ता ब्लॉक करके बैठा है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स में अभी हमारे पास कॉइन्स है तो हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ है जो धक धक कर रहा हो, तो हार्ट टाइप तो वो हेल्थ है, मतलब जिसके लेने से थोड़ा हमारा हेल्थ अब ये बढ़ जाएगा। और ये पावर वाला है पोमोग्रेनेट्स। तो इसको उसको खाना दे दिया डॉगी को, सर्बरस को, वो साइड हो जाता है। और फिर हम दरवाजा खोल के हेडियस के साथ फाइट के लिए जा सकते हैं। तो हम अभी सरफेस पहुंच गए, मतलब धरती से आ गए, मतलब अंडरवर्ल्ड से अभी धरती पे आ गए। तो वहां पे हेडिस है जिसके डैडी, उसके डैड हेडिस यहां पे खड़े। दिस कोल्ड वेट सब्सटेंस, अभी स्नो के बारे में बता रहे हैं। स्नो क्या है? स्नो दे कॉल इट। लुक केयरफुली अपॉन ईच फ्लेक, टाइनी क्रिस्टल्स बट स्ट्रक्चर। If you're quite finished teaching me about this snow phenomenon, can we get on with the... जानने दे राम को परसेफनी इसके मदर से मिलने के लिए। तो इसको फाइट करके इसको हरा के हमको जाना पड़ेगा। ये स्पीयर यूज कर रहा है, इसका वेपन ऑफ चॉइस स्पीयर है। और इसके पास इनविजिबिलिटी भी है, मतलब गायब भी हो सकता है। तो ऐसे ग्रीन कलर का पावर उसका फेंकता है,
से, मतलब वो हमको अगर लग गया तो हमको डैमेज ज़्यादा बैठता है वैसा, जो भी डैमेज खाएंगे तो एक्स्ट्रा रहता है वैसा। गायब हो गए, इनविजिबल हो गए, और गाइस ये गेम्स आई बिलीव 500 के नीचे अगर आपको डिस्काउंट में मिलेगा तो। अभी इसके ऊपर शील्ड आ गया है तो शील्ड पे हम इसको मार नहीं सकते। कुछ कुछ जो दुश्मन रहते हैं उनके ऊपर भी एक शील्ड रहता है। अरे देखो अभी बॉल उसने फेंका था, खा लिया तो डैमेज हमको ज़्यादा बैठता, प्रॉब्लम हुआ है। लेज़र बीम जो है ये पावर डायरेक्टली उसको स्लो भी करता है और डैमेज भी देता है। फिर से उसने शील्ड चालू कर दिया है, उसको एचपी कम होते होते वो शील्ड चालू करता होता है, एक बार में उसको हरा नहीं सकते। एफ्रोडाइटी के मदद से अभी उसका एचपी देखो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो एक बार उसका एक बार डिफीट हो गया है। you with a certain mindless strength, but such power has its limits. दो बार मारना पड़ता है उसको। वो लग गया वो, अभी ये छोटा सा बीम डालता ही रहता है, हमने जैसे बीम डाला उसका भी वो पावर है ऐसा बीम डालने का। हमारे पास दो है लाइफ है तो आई थिंक हम सक्सेसफुल हो जाएंगे उसको मारने के लिए। अपना एफ्रोडाइट का पावर से अरे उसने अपने ऊपर शील्ड चालू कर दिया। हमें वहाँ दूर दूर से कैप्टन अमेरिका के हिस्से मार ही रहा हो, मतलब पहुँच रहा हो, बाउंस होते रहते ना तो कहीं से भी मारा तो भी उसको ही लगता है। अरे मतलब एक आई थिंक दो लाइफ और बाकी है, एक लाइफ चला गया। तो ये पिलर के पीछे छुप जाने का, इससे हमको कुछ होता नहीं है। अरे फिर से चालू कर रहा है अपना ये लेज़र, और यह बार तो भाई लेज़र तो क्या बोलते हैं इसके एकदम चक्रम की तरह पूरा चालू कर रहा है। एफ्रोडाइटी का पावर लिया लास्ट में, फाइनल पावर अल्टीमेट पावर डाला हलास। फूल बोल दिया मेरे को, खुद हार गया और मेरे को फूल बोल रहा है। ये
सारे पावर से हमने डिफीट किया हुआ एक्चुअली थोड़ा दिखाते हैं समरी टाइप। और ये जो ब्लड ब्लड टाइटन जो मिला है वेपन को अपग्रेड करने के लिए हम फ्यूचर में जाके यूज करेंगे बस। Beyond the frozen overlook await the first glimpse of the sun to your left. Yahan pe wo mother ke towards ja raha hai. स्नो खत्म होता है और यहाँ से हरियाली चालू हो जाती है तो साइन है वेलकम बैक बोल रही है। मदर, आई डिस्कवर्ड हाउ कम फादर लेड यू टू बिलीव दैट आई कुड नॉट सर्वाइव पास्ट बर्थ। ही डिडंट लाई टू यू एग्जैक्टली। ओके, झूठने बोला था हेडिस ने। वेट, स्लो डाउन ज़ैग्रियस, व्हाट डू यू मीन? ही टोल्ड मी यू वुड नॉट सर्वाइव योर बर्थ, येट हियर यू आर। ओके, हाउ वाज़न्ट दैट अ लाई? बिकॉज़ ही थॉट इट वाज़ द ट्रुथ। The fates appointed him dominion over the entire underworld, but he would never have an heir. So बोल रहे थे इसके बच्चे नहीं होंगे हेडिस को पर। He never expected me to be born, much less survive. He never expected you to survive. Then, forgive my asking, but why did you? हाँ, तो जिंदा कैसे है भाई? The fates are not known for making mistakes when it comes to such things. Nick saved my life. इसने इसके लाइफ बचाया। Gave me life, I guess. They raised me in your absence. The fate of her daughters, right? Maybe she persuaded them to go easier on me. She cannot say more. In any case, apparently it took her quite a while to revive me, and by then you were gone. Actually, वो मतलब ऐसे मरा हुआ है, ऐसे आया था वो, पैदा हुआ था, तो भाग टेंशन आके वो भाग गई हो. She was involved. I only managed to escape because of her. Then she restored my stillborn son to life and nurtured him. And I never would have known unless that child fully grew. Yes, although we still don't know how come Father and Nick's never sent for you. Though, let me ask you something, Mother, if you please. बुला रहा है वापस आने के लिए. Could I have come back to see my only child? Had I but known you lived, I would have gladly gone to hell again. Well then, what if Father didn't want you doing that? What if he didn't want me coming back to him or seeing you? Oh no, you're fading again, Zagreus. Are. You've pushed yourself too hard. हाँ, तो हमने. What is it you meant by what you said? वो आप या अगले एपिसोड में देखेंगे. अगर हेडिस भी आना चाहता है इस पर अपने साथ में रहने के लिए, ये हंच है. तो अगले एपिसोड में इसके बारे में देखेंगे. तो गाइस, thank you so much for watching. Bye. Father and have a great day ahead. See ya.